हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए बच्चों, इसका एनसीईआरटी रिव्यू शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले चीज़ आपको देखने को मिलेगी इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि रॉबर्ट हुक जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कॉर्क रिजेंबल्ड स्ट्रक्चर देखा था हनीकॉम का, जो कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट में था। और देखा उन्होंने कब था, 1665 में अपने सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप में। और ये बार्क ऑफ ट्री से उन्होंने देखा था, और उन्होंने इसे सेल्स या लैटिन वर्ड जिसे मीनिंग बोलते हैं, वर्ड मीनिंग है जिसका, लिटिन रूम के नाम से संबोधित किया था। और अपेरेंटली अगर हम कहें तो जो सेल वर्ड है टिल डेट इसी तरीके से यूज़ हो रहा है हमारे बायोलॉजी में। फिर बात कर लेते हैं बच्चों, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में करना क्या है, आपको ऑनियन पील की स्लाइड बनानी है, यानी ऊपर की जो ऑनियन की झिल्ली होती है सफ़ेद वाली, उससे एक स्लाइड बनानी है। और उसे जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऑनियन पील की स्लाइड्स में आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों, ये दिखा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो भी किस चीज़ का बना हुआ है, आपका ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ है, ये लिविंग सेल्स का बना हुआ है। अब जब आप इस तरह के स्ट्रक्चर और देखने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स जो है डिफरेंट साइज स्ट्रक्चर के आपको देखने को मिलते हैं, यानी जो ये स्मॉल स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे है तो सेम, लेकिन अलग अलग साइज के आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ सिंगल सेल की हो सकती है और कोई चीज़ मल्टी सेलुलर हो सकती है। उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको देख लेने चाहिए बच्चों, क्या कि सेल्स को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क स्लाइस में अपने प्राइमेटिव माइक्रोस्कोप में। फिर लियोनॉक ने 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और परकिन जी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया। फिर सेल थ्योरी प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंपोज सेल्स के ऊपर दी गई, दो बायोलॉजिस्ट थे उसमें, शिल्टन और शिवान, इन्होंने सेल थ्योरी को दिया कि सेल्स जो प्लांट्स एंड एनिमल जितने भी हों सारे के सारे सेल से बने होते हैं। फिर इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया वर्शो ने 1855 में, इन्होंने क्या बोला कि सारे सेल्स प्री एक्सिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। और 1940 तक आते आते डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ हम ये सेल ऑर्गेनेल्स को भी देख सकते हैं। तो बेसिक वे में हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ सिंगल सेल की बनी हो सकती है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकती है। सिंगल सेल वाले के एग्जांपल हो सकते हैं आपके पैरामीशियम बैक्टीरिया एट्सेट्रा, जिसे हम यूनिसेलुलर भी कई बार कह देते हैं। यूनि का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल सेल। और जब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में मतलब बहुत सारे सेल्स। अब एक चीज़ और देख लीजिए बच्चों, जब ये मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर में आपका जो स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल भी वही काम कर रहा है और मल्टी सेलुलर भी वही काम कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि सिंगल सेल में सारा जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है वो एक साथ एक ही जगह काम कर रहा है, लेकिन जब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो उसमें कुछ डिविज़न हो जाते हैं। जैसे आपका पहले हो गया सेल, सेल से आपका टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और आखिरी में ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये बेसिक डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है इसमें। फिर दूसरा क्या देखने को मिलता है बच्चों, कि जितने भी वेरियस फॉर्म्स हैं सेल्स के, वो अलग अलग शेप साइज के स्ट्रक्चर के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, स्मूथ मसल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, ओवम है, बोन सेल है, स्पर्म है, नर्व सेल्स है, फैट सेल्स है, ये सारे के सारे अलग अलग स्ट्रक्चर के आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। अब दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, कि भले ही इनका स्ट्रक्चर से अलग अलग हो या शेप अलग अलग हो, लेकिन जो इनका काम है वो सारा का सारा ये एक ही है। यानी ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ठीक है, इनका ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो ये कर सकते हैं एक बेसिक काम को करने के लिए। फिर क्या कहता है बच्चों, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कैसे, जो हमने मल्टी सेलुलर वाली बात की थी, ऊपर वाली बात कर रहा था यूनिसेलुलर की। मल्टी सेलुलर में क्या हो गया, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो गया सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। तो इस तरीके से ये सारे के सारे अलग अलग काम करने इसने शुरू कर दिए। फिर क्या कहता है, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म स्पेशल फंक्शन
और सारे के सारे अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं बच्चों। तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझनी थी इसमें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर को। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।